पूर्णिया के भट्टा बाजार में सब्जी और फलों की दुकानें सस्ती थी, लेकिन वहां भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण प्रशासन को एक कदम उठाना पड़ा है। और जो भी सब्जी और फल बेचने वाले वहां थे, बाहर में सड़क के किनारे बेचा करते थे, उन तमाम लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है जिला स्कूल। और ये जिला स्कूल में ख़ासतौर से आपको हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ का नज़ारा देख लीजिए। अब जो फल और सब्जियों की दुकानें भट्टा बाजार सड़क के किनारे लगती थी, ये सब दुकानें यहाँ चली आई हैं, लेकिन वहाँ कुछ जो दुकानें अंदर में हैं वो अभी वहीं है, वो लोग वहीं अभी बिक्री कर रहे हैं, लेकिन सड़क किनारे जो भी थे वो बाहर आ गए हैं। हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, हम इन लोगों से बात करते हैं। अच्छा बताइए, आप लोग यहाँ शिफ्ट जो किए हैं तो क्या क्या डायरेक्शन दिया गया प्रशासन की ओर से? यह तो हम लोग को बताया गया कि केवल जिला स्कूल में लगाना है, ठेला हो या फिर नीचे में बिछा के बैठना है, कस्टमर वहीं जाएगा। अच्छा, तो कुछ दिशा निर्देश दिया गया कितनी दूरी पे रहना है, भीड़ लगाना है, ऐसा कोई बात नहीं? 1 मीटर की दूरी पे, 1 मीटर की दूरी पे बोला गया है, आप ज़्यादा भीड़ नहीं लगाना है, भीड़ को एकत्रित नहीं होने देना है, भीड़ को एकत्रित नहीं होने। यहाँ तो आप लोगों को जगह पर्याप्त मिल गया है? हाँ, जगह पर्याप्त मिल गया है। देखते हैं ये पेड़ भी है यहाँ, तो आप लोगों को ठंडा भी, राहत भी, राहत बहुत है। पर पब्लिक अभी तक उसको सूचना मिली नहीं है अच्छी तरीके से, इसीलिए भी पब्लिक आ नहीं पा रही है। तो पब्लिक से आप चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप जिला स्कूल में सारी दुकानें लग गई है, आप लोग यहाँ पर आकर खरीदारी करें। अच्छा, इसमें मुख्य रूप से क्या क्या यहाँ है? यहाँ सारा कुछ है, फल है, सब्जी है, सारा आइटम आपको मिल जाएगा, केवल किराना छोड़ के फल सब्जी जो भी है वो तमाम चीज यहाँ पर उपलब्ध है। अच्छा, कितने दुकानदार अभी यहाँ है आप लोग जो आए? 20 से 25 दुकानदार है, वहाँ भी है कुछ बचा वहाँ, और वहाँ भी है, भीतर हटिया के अंदर भी है, तो वो सबके भी अगर यहाँ पर आ जाए तो अच्छा मार्केट यहाँ लग सकता है। आप लोग चाह रहे हैं कि वो लोग भी यहाँ आ जाए? जी वही चाह रहे हैं, यहाँ भी आ जाए। जगह की दिक्कत है जी, वो तो और छोटा जगह है, वहाँ तो और भीड़ लगती होगी वहाँ पर। अच्छा जी, तो आप लोग चाह रहे हैं कि जिस तरह से आप लोग यहाँ आ गए हैं तो बाकी लोग भी यहाँ आ जाएं? जी जी जी, और कस्टमर को जानकारी मिल जाए जी। ऐसे यहाँ सारा सामान उपलब्ध है। अच्छा, ये बताइए कि ये महामारी को लेकर के जिस तरह से लॉकडाउन किया गया है, आप लोगों को सबको निर्देश दिया जा रहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाका में ना जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें और ग्लव्स का इस्तेमाल करें, ये तमाम चीज़ें, तो इस तमाम चीज़ों के दिशा निर्देशन के बाद बाहर निकलने वाले लोगों को खासतौर से हिदायत दी जा रही है। लेकिन आपसे ये जानना चाह रहे हैं हम कि यहाँ जब आप लोग आ गए हैं और उसके बाद वहाँ जो बिक्री कर रहे थे, दोनों में क्या अंतर महसूस हो रहा है? बहुत जमीन आसमान के फर्क है, वहाँ जो दुकानदारी होता है यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ जानेगा तब आदमी आप पहुँचेगा ना, यहाँ पब्लिक को अभी जागरूक नहीं हुआ है, पब्लिक जागरूक हो जाए। वहाँ से जैसे आधा उधर है आधा इधर है, उधर वाला जैसे इधर आ जाए वहाँ सब्जी दुकान, या एक जगह आ जाएगा तो अच्छा चलेगा। और अच्छा, ये बताइए कि सब्जी के रेट में कुछ अंतर हुआ है? नहीं कुछ नहीं, जहाँ का वही रेट है। जहाँ तक कि अभी तो डिस्काउंट रेट में ही मिल रहा है, तो अभी रेट बहुत कम हो गया है। अभी तो डिस्काउंट भी हो गया है, रेट भी बहुत कम हो गया है, रेट कम हो गया है। हाँ। तो ये कहीं से किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि रेट नहीं, रेट जो जेन्युइन पूरा बाजार ओपन है, बाजार जो रेट बिक रहा है वही रेट यहाँ भी बिक रहा है। बाजार बंदी का सब्जी पर कोई असर नहीं? सब कोई असर नहीं, सारा इससे सारा चीज उपलब्ध है, सब्जी फल सारा गाड़ी आ रहा है, तो फिर महंगाई होने का कोई बात ही नहीं होता इस पर। और सिर्फ पब्लिक को जागरूक होकर के आना है? जी जी जी, पब्लिक केवल जिला स्कूल में है, सारे खरीदारी करें। ये बताइए कि सब्जी जब आप लोग बेचते हैं तो कस्टमर लोग कई मरतबा फल और सब्जी को बार बार टच करता है, तो आप लोग उनको कुछ समझाते हैं? जी, हिदायत देते हैं कि आप टच ना करें, हम लोग दे रहे हैं आपको, आपको हम लोग दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा दूरी बना के रखें, आप भीड़ भी नहीं लगने देते अपने काउंटर पे। हम लोग भीड़ नहीं लगने नहीं देते, एक से दो आदमी आते हैं उनको डील करना है। अच्छा, तो 1 से 1.5 मीटर की दूरी पे सबको खड़ा रखना है। तो ये आप लोगों को लेकिन एक दिशा निर्देश इस तरह का भी शायद मिला होगा कि दुकान के आगे कहाँ आदमी को खड़ा रहना, एक सर्कल बना, वो बना हुआ है, वो सारा सर्कल बना हुआ है यहाँ पर, बना हुआ है। आप लोग को दूरी बनाया हुआ है। अच्छा, आप लोग और कुछ कहना चाह रहे हैं जो हमारे दर्शक है, जो आपका कस्टमर है उनसे? कस्टमर सबको यही है कि जो है ना, यानी कि अंदर में जो भी दुकान है बाजार का, वो सब यदि यहाँ आ जाता है तो आने के बाद क्या है कि कस्टमर भी एक पूरा झुंड जो है यहाँ पहुँचेगा, फैल जगह है, तो यहाँ सब सामान उसको मिलेगा, डायरेक्ट यहाँ आएगा। थोड़ी हम जगह दे दीजिए हमको, हम थोड़ा दिखाना चाहते हैं कि यहाँ सारा सामान अवेलेबल है। ये आप देख लीजिए, जो फल है सब्जी है वो तमाम चीज़ें सब ताज़ी हैं, और
वकीलों के द्वारा यहाँ लगाया गया है, जो दुकान लगी है यहाँ, और पूर्णिया SDO की इसमें अहम भूमिका है। उन्होंने खास भूमिका निभाते हुए तो हम लोगों को दिशा निर्देश दिया है कि आप लोग जिला स्कूल में दुकानों को लगाएं और एक दूरी मेंटेन करें, साथ ही साथ जो सावधानी की ज़रूरत है उन सावधानी के तरीकों को अपनाएं। और हम जिस उद्देश्य के साथ भारतवासी लॉकडाउन में हैं, महामारी को दूर भगाना चाहते हैं, तो वो पूरी तरह से सफल होना चाहिए, तो वो तमाम चीज़ें देख रहे हैं। तमाम लोगों ने अच्छी अच्छी सब्जियाँ और फलों को सजा के रखा है। ये फूल वाले हैं, फूल बेचते हैं, तो ये देख रहे हैं तमाम चीज़ें यहाँ हैं। ये पूर्णिया के जिला स्कूल का नज़ारा है और जिला स्कूल के अंदर जाने के लिए जो सड़क है, सड़क के दोनों ही किनारे सब्जी वाले फल वाले हैं। और आपको खासतौर से दिखाना चाहेंगे, यहाँ पेड़ का घना छाया है और इस बीच नीचे ये लोग मार्केट लगाए हुए हैं, तो आप यहाँ आ कर के सब्जी की खरीदारी कर सकते हैं। भट्टा जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कोसी आलोक खासतौर से जितने भी हमारे दर्शक हैं, तमाम लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि महामारी से बचने के लिए जो भी आवश्यक दिशा निर्देश सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है, उसका पालन करिए और घर से बाहर नहीं निकलिए, और निहायत ज़रूरी हो तभी निकलिए। और निकलते हैं अगर पूर्णिया के क्षेत्र के लोग हैं, भट्टा क्षेत्र के लोग हैं, तो आपके लिए सब्जी की जो दुकानें हैं, फल की जो दुकानें हैं, वो पूर्णिया के जिला स्कूल में है। और यहाँ आइए, एक दूरी मेंटेन करते हुए ग्लव्स का इस्तेमाल करिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, तमाम सावधानियों के तहत सब्जियों और फलों की खरीदारी करिए। कोसियालो के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। आपने नर्सिंग ही क्यों चुनी? मेरी ख्वाहिश है, काफी इंटरेस्टिंग है। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि पूरी तरह से सेवा भाव पर आधारित है। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टेक्ट नंबर 7739023553। AGL redefines glamour with its ultra glamorous Grestec Double XL is ideally suitable for hotels, restaurants. फर्श पर खिलती है, दीवारों पे सजती है। कॉन्टेक्ट नंबर 9470022188।